जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी, आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर पे कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर पे चल रही है संगत जी, तो आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, क्योंकि ये सत्संग बड़ा स्पेशल है। अगर आपने थोड़ा सा भी ये सत्संग मिस कर दिया संगत जी, तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिस कर देंगे संगत जी। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर यही विनती है कि आप इस सत्संग को ध्यान से सुनना, पूरा सुनना, और संगत जी सत्संग को लाइक शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का, शेयर करने का, ऐसे मत जाना संगत जी बिना लाइक शेयर की। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जय गुरु जी, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जा सके और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। संगत जी, आज हम सब मेनका आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। गुरु जी की फोटो, पहले यही सुना था कि गुरु जी की फोटो होती है घर पे लगाते हैं तो बड़ी बरकत होती है। संगत जी, ये मैंने अपनी फ्रेंड से, अपनी सहेलियों से, जो मेरी किट्टी पार्टी की सहेलियां थी, मेरी फ्रेंड थी, उन सब से मैंने यही सुना हुआ था कि जब से हमने गुरु जी की फोटो घर पे लगाई तो बड़ी बरकत हो गई। बाद में जाके समझ आई, अरे गुरु जी की फोटो नहीं होती, गुरु जी का स्वरूप होता है, हम तो गलती कर रहे थे। संगत जी देखो, गलतियां इंसानों से ही होती है ना, इंसान ही गलती करते हैं ना, और तो कोई नहीं करता गलती। तो संगत जी मेरे से भी बहुत बड़ी गलती हुई और मेरी फ्रेंड से भी कि हमने गुरु जी की फोटो बोला, जबकि गुरु जी का तो स्वरूप होता है। संगत जी, मेरे पास गुरु जी का एक भी स्वरूप नहीं था, एक भी स्वरूप संगत जी मेरे घर पे नहीं था गुरु जी का। मैंने हर एक संगत से बोला, हर एक फ्रेंड से बोला अपनी कि अरे यार, तुम्हारे पास अगर दो स्वरूप है तो मुझे एक दे दो, मेरे काम आ जाएगा, मैं भी अपने घर पे लगा लूंगी, मेरे घर पे भी बड़ी बरकत हो जाएगी, गुरु जी की कृपा हो जाएगी। संगत जी, किसी ने दिया ही नहीं। अब मैं बड़ी परेशान, मैं दुखी कि कहाँ से लूं। अब मैंने ये भी सुन लिया था इस चैनल पे संगत जी, मैं सत्संग रोज सुनती थी गुरु जी का, आज भी सुनती हूँ, पहले भी सुनती थी। तो मैंने संगत जी ये सुना हुआ था अंकल से कि ना, जो गुरु जी का स्वरूप होता है ना, वो कभी खरीदते नहीं है पैसे देते। अगर आप गुरु जी के स्वरूप को खरीद रहे हो ना, तो गलती आप भी कर रहे हो और जो दे रहा है वो तो पापी है ही। जो आपको पैसे लेकर दे रहा है गुरु जी का स्वरूप, वो तो पापी है, वो तो बुरा काम कर रहा है। पर संगत जी, साथ में हम क्यों करें, है ना, हम क्यों बुरा काम करें? लोगों का तो काम है संगत जी, लोगों ने तो आजकल बड़े बिजनेस बनाए हुए हैं कि गुरु जी की मतलब कि स्वरूप दे देना, पैसे लेकर, लॉकेट ले लो पैसे देकर, ये कर लो वो कर लो। जबकि संगत जी, ये तो बड़ी कीमती मतलब होती है ब्लेसिंग, और ये ज्यादातर संगत जी बड़े मंदिर से ही मिलती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको कहीं से मांगने की, कहीं से लेने की जरूरत नहीं है। गुरु जी का स्वरूप आपको सिर्फ बड़े मंदिर से मिल जाएगा अपने आप। मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, मैं झूठ नहीं बोल रहा संगत जी, ये बात है। आप अगर आप सच्चे दिल से ही चाहते हो ना कि आपको गुरु जी का स्वरूप मिले, तो आप बड़े मंदिर में जाओ, देखना पहली बार नहीं तो दूसरी बार में आपको गुरु जी का स्वरूप मिल ही जाएगा। क्योंकि संगत जी देखो, मैंने भी अपने कई फ्रेंड्स को बोला था जिनके पास घर में दो दो स्वरूप थे, तीन तीन स्वरूप थे,
किसी ने मेरे को नहीं दिया स्वरूप, जबकि मुझे सख्त जरूरत थी घर पे। संगत जी, मेरे घर पे बड़ी परेशानी चल रही थी, लोगों की बुरी नजरें लगी हुई थी मेरे घर पे। क्या करती बताओ आप, क्या करती? कोई और ऑप्शन नहीं था, पर मैं ये सुनती भी थी कि गुरुजी जब घर पे आते हैं तो सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मैं तो यही सोच सोच के परेशान कि मेरे घर पे गुरुजी कब आएंगे, मेरे घर पे गुरुजी कब, मतलब आएंगे कब, आएंगे गुरुजी, यही सोच सोच के परेशान। अब एक ही ऑप्शन मेरे बेटे ने बताया, मम्मी ऐसे करो कि गुरुजी का जो स्वरूप है ना, वो आप ऑनलाइन मतलब डाउनलोड कर लो, तो मैं प्रिंट मैं आपको निकलवा दूंगा प्रिंट। संगत जी, अब आप देखो, ऐसी मतलब कि किस्मत में नहीं था ना, किस्मत में नहीं था कि हम ऐसा कुछ करें, शॉर्टकट निकालें। किस्मत में था कि बड़े मंदिर से स्वरूप मिलेगा। वो मिला भी संगत जी, मिला भी। मैं आपको बता रहा हूं कि मिला भी स्वरूप गुरु जी का, और एक नहीं पूरे दो दो स्वरूप बिना मांगे मिले हैं। वहां एक अंकल खड़े हुए थे, मैं आपको बताता हूँ संगत जी, एक अंकल खड़े हुए थे, उनके हाथों में ना तीन चार स्वरूप थे गुरु जी के। हम जैसे ही बड़े मंदिर के गेट से बाहर निकलने लगे तो वो अंकल मेरे हाथों में अपने आप, मैं उनको जानता नहीं, कुछ नहीं ना, कुछ मतलब ऐसी बोलचाल ना, जय गुरु जी, उन्होंने दो स्वरूप ऐसे करके निकाले, मेरे हाथों में दे दिए। बताओ आप, पहले मुझे लगा कि ये क्या, मतलब ये हो क्या रहा है। वो कहते मैं कुछ मतलब बोलने ही लगा तो वो कहते हैं ये आपके लिए ब्लेसिंग है गुरु जी की, आप ही के लिए है, घर ले जाओ, आप बड़े टाइम से परेशान थे ना। संगत जी, मुझे नहीं पता कि उनको कैसे पता चला, उनको इन सब बातों का पता कैसे चला, आप मुझे बताओ। मुझे तो लगता है वो गुरु जी ही थे, क्योंकि संगत जी गुरु जी को पता होता है ना, गुरु जी को सारी बातें पता होती हैं कि हम क्या, हमारे दिमाग में चल रहा है क्या, हम करेंगे क्या, हम ऐसे सोच रहे हैं, उनको सब पता होता है संगत जी, उनसे कुछ नहीं छुपता। आप चाहे जितना मर्जी कोशिश कर लो, भगवान से भी कोई कुछ छुपा सका आज तक? बताओ मुझे आप, वो तो साक्षात शिव जी हैं, उनसे कोई कुछ कैसे छुपा सकता है। प्लीज संगत जी, आप इस सत्संग को लाइक कर दो, शेयर भी कर दो, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाला भी शेयर करने वाला भी, ऐसे मत चले जाना संगत जी। आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी। संगत जी, संगजी।